कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। 21 जून 2020 रविवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा जो कई अजब संयोग अपने साथ लेकर आ रहा है और इस सूर्य ग्रहण का विश्वव्यापी प्रभाव होगा। भारत के साथ साथ यह सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जापान, चीन, रूस, एशिया के अधिकांश देश, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व भाग, अफ्रीका पूर्वोत्तर के सभी देशों एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, म्यांमार, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, यमन, ओमान सहित विश्व के अधिकांश देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण अर्थव्यवस्था और अन्य मोर्चों पर अपना प्रभाव दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के कारण यूरोपीय देशों में काफी उथल पुथल और हलचल होने वाली है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, तब उन्होंने अमृत का वह कलश विष्णु के मोहिनी स्वरूप भगवान श्रीहरि को प्रदान कर दिया तथा मोहिनी स्वरूप भगवान ने देवताओं और दैत्यों को कहा कि दोनों एक एक पंक्ति में बैठ जाइए, दोनों को अमृत का बंटवारा मैं करूँगा। इस प्रकार मोहिनी स्वरूप भगवान नारायण देवताओं और दैत्यों को अमृत का बंटवारा कर रहे थे और उसी बीच में देवताओं की पंक्ति में छल कपट के द्वारा राहु नामक दैत्य आकर के बैठ गया। जब देवताओं को अमृत पान करवा दिया तब सूर्य और चंद्रमा ने देखा कि देवताओं की पंक्ति में यह राहु अमृत पान कर रहा है। जैसे ही उन्होंने देखा तो सूर्य और चंद्रमा ने उसकी शिकायत भगवान श्री नारायण से कर दी। श्री हरि नारायण ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। एक भाग राहु कहलाया, दूसरा भाग केतु कहलाया। इस प्रकार इसके पहले 7 ग्रह थे, इसके पश्चात 9 ग्रह हो गए। चूंकि राहु और केतु की शिकायत सूर्य और चंद्रमा ने भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान से की थी, मोहिनी स्वरूप से, और उसकी जो दुर्दशा हुई थी वह इन दोनों के कारण ही हुई थी। यानी सूर्य चंद्रमा के कारण राहु को 2 भाग में विभक्त होना पड़ा था। इसी कारण से समय समय पर राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। इसी अवस्था को ग्रहण कहा जाता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, वहीं पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो सारे देवी देवताओं को कष्ट होता है क्योंकि देवों के स्वरूप सूर्य और चंद्रमा को राहु निगलने लगता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के ऊपर जब पीड़ा आती है तो सारे देवी देवता कष्टमय स्थिति में रहते हैं। इसलिए हम अपने घर के मंदिर और देव स्थानों के पट बंद कर देते हैं और उनके आसपास तुलसी और कुशा रख देते हैं ताकि किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई संकट न आए। 21 जून 2020 रविवार के दिन जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वह मिथुन राशि में होगा तथा मृक्षिरा नक्षत्र में होगा। अमावस्या तिथि को और रविवार के दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु व केतु वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था का अर्थ होता है पीछे की तरफ जाने वाले, यानी माइनस मार्किंग करने वाले। यह बड़ा ही एक अजीब संयोग बन रहा है और कई सालों के बाद में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि सूर्य ग्रहण रविवार को हो रहा है और 6 ग्रह वक्री स्थिति में रहेंगे, इसलिए इस ग्रहण को चूड़ामणि ग्रहण कहा गया है। 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण के कारण, ग्रहों के वक्री होने के कारण कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे अत्यधिक वर्षा होगी, समुद्र में चक्रवात उठेंगे,
तूफान आएंगे और कई प्रकार से जन धन हानि होगी, भूकंप आ सकते हैं, आगजनी हो सकती है या महामारी का प्रकोप भी बढ़ सकता है। शनि मंगल और गुरु के प्रभाव से विश्व में आर्थिक मंदी का असर भी एक साल तक बना रहेगा। हालांकि जो ग्रहण की ग्रहों की स्थिति होती है, जो राशियों के ऊपर प्रभाव होता है, वह 6 महीने तक होता है, लेकिन इस ग्रहण के दौरान शनि मंगल और गुरु का जो प्रभाव है वह विश्व के ऊपर 1 साल तक अपनी मंदी का प्रभाव छोड़ने वाला है। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो वलयाकार होगा। यह ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा, जिस कारण इसका पुण्यकाल, पर्वकाल, सूतकाल पूरे भारत में सभी शहरों में मान्य होगा। हर जगह प्रत्येक व्यक्ति को नियम पालन करना चाहिए। ये सूर्य ग्रहण आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में है, इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। मिथुन राशि वालों को कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे उनके ऊपर कोई आक्षेप या कलंक की स्थिति निर्मित हो सके, इसलिए मिथुन राशि वालों को विशेष सावधानी रखना चाहिए और विशेष उपाय भी करना चाहिए। 21 जून को जब सूर्य ग्रहण होगा तब मंगल जली राशि मीन में स्थित होगा। इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं विश्व को जो है देखनी पड़ेगी। 21 जून 2020 रविवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भारत में संपूर्ण रूप से दिखाई देगा और इसे खंड ग्रास के रूप में देख सकेंगे। भारत में जो सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा वो सुबह यानी 21 तारीख की सुबह 10:43 से यह ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर 12:31 पर इसका मध्यकाल रहेगा तथा दोपहर 2:06 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटा और 16 मिनट रहेगी और इस ग्रहण का अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग परिणाम प्राप्त होगा। ग्रहण जो होता है वह उत्तम परिणाम भी देता है और उसके बुरे फल भी देखने को मिलते हैं, यानी दोनों प्रकार की स्थितियां निर्मित करता है, क्योंकि राहु जो देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है और राहु के कारण ही ग्रहण की स्थिति बनने जा रही है। और यह ग्रहण चूंकि नवग्रहों के राजा सूर्य देव के ऊपर होने जा रहा है और रविवार के दिन होने जा रहा है, इसलिए राहु दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाएगा। एक तरफ तो विश्वव्यापी कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करेगा, वहीं राशियों के ऊपर भी इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। 12 राशि के जो व्यक्ति है उनको अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे। तो अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों के लिए बताने जा रहे हैं कि उनको किस प्रकार से परिणाम मिलना है, यानी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होने वाली है, वहीं कुछ को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को क्या खास सावधानी रखना चाहिए और सामान्य व्यक्ति को ग्रहण के दौरान किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए पद प्राप्ति का उत्तम योग बनने वाला है। यदि बेरोजगार है तो नया रोजगार उनको प्राप्त हो सकता है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, मान सम्मान यश की प्राप्ति उनको होने वाली है और अचानक अनायास कहीं से उनको धन प्राप्त होगा, यानी सट्टा लॉटरी या अन्य किसी कार्य से अनायास उनको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं वृषभ वाले जो व्यक्ति है उनको व्यापार में नुकसान हो सकता है, कुछ परेशानी या मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। मिथुन राशि वालों को शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोई घटना या दुर्घटना भी घटित हो सकती है। कर्क राशि वालों को चोट की आशंका उत्पन्न हो सकती है। सिंह राशि वालों को जीवन साथी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा, वहीं धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, अचानक बड़ा लाभ इनको प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि वालों को शुभ समाचार प्राप्त होंगे, ऐसे संकेत इनको मिलेंगे जिससे भविष्य को लेकर के इनकी जो आशंकाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। तुला राशि वालों को भाग्य में उन्नति के साथ नए काम का अवसर प्राप्त होगा और प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, किसी अनायास तरीके से इनको धन लाभ हो सकता है। वहीं वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि वालों को धन लाभ होगा, खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और कुंभ राशि वालों को पदोन्नति, मान सम्मान, सुख की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा।
तथा मीन राशि वालों को खर्च की अधिकता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सभी राशि वालों को देव आराधना करना चाहिए, भगवान की पूजन पाठ करना चाहिए। देव आराधना करने से यह ग्रहण उनको अच्छा फल प्रदान करेगा। ग्रहण के समय यदि कोई भी व्यक्ति मनुष्य यदि भगवान के नामों का उच्चारण करता है, भगवान का कीर्तन करता है या भगवान का भजन करता है या मंत्र जाप करता है, कुसा के आसन पर बैठ करके स्नान करके यदि अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवता का, कुल देवी का या अन्य अपने जो भी देवी देवता है उनके मंत्र का जाप करता है तो निश्चय ही उसकी सारी विपत्तियों का जो है समापन हो जाता है और उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। और सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा, यानी सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:43 पर प्रारंभ होगा। वहीं इसका जो सूतक है ठीक 12 घंटे पहले यानी 20 जून शनिवार की रात को 10:43 से इस सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल एवं ग्रहण काल में कई प्रकार के नियम पालन करने का हमारे धर्म ग्रंथों ने निर्देश दिया है। और यह सूतक जो कि ग्रहण समाप्ति यानी 21 जून को दोपहर 2:06 पर ग्रहण समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ग्रहण के दौरान जो भी नियम होते हैं वो सामान्य व्यक्तियों को सभी को नियम पालन करना चाहिए। वहीं जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता, यानी कठोर नियम उनके लिए नहीं बताए हैं। वहीं ग्रहण के समय तो उनको भी भोजन नहीं करना चाहिए। बाकी सूतक काल के समय रोगी व्यक्ति भोजन कर सकते हैं, जल पी सकते हैं या अपना काम सामान्य दिनों की तरह कर सकते हैं। वहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी इसी प्रकार अपना कार्य सामान्य दिनों की तरह कर सकते हैं और उनको केवल ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना है और अन्य कार्य जैसे कि मल मूत्र का त्याग या सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार जो बालक होते हैं उनको भी कठोर नियम पालन नहीं करना है और जो गर्भवती माताएं हैं उनको सूतक के दौरान किसी भी प्रकार से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ग्रहण के दौरान उनको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय यात्रा नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय मल मूत्र का त्याग करना भी वर्जित माना जाता है और सूर्य ग्रहण के समय किसी भी प्रकार से खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए। और गर्भवती महिलाएं यदि इन नियमों का या सावधानी का पालन नहीं करेगी तो उनके जो पेट में है वह बालक अंगहीन होगा या विकलांग भी पैदा हो सकता है या गर्भपात की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके लिए जो गर्भवती माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको ग्रहण के पहले अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा गोबर या फिर जो है लाल रंग का गेरू होता है वो लगा ले या कुमकुम या चंदन या फिर हल्दी भी अपने पेट पर लगा सकते हैं या तुलसी पत्र कुशा भी अपने पास रखेंगे तो ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। इसी तरह जो गर्भवती माताएं हैं उनको ग्रहण के समय कैंची, चाकू या हंसिया या धारदार किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि सुई और सूजा का भी उपयोग उनको नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से कोई भी चीज़ उनको काटना नहीं चाहिए। कपड़े भी नहीं सिलना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान यदि कोई भी गर्भवती माताएं जिनके पेट में बच्चा पल रहा है वो यदि किसी भी चीज़ को सिलेगी या काटे पीटेगी तो उनका जो शिशु का अंग है वो कट जाता है। इसलिए वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए इन नियम का पालन अनिवार्य रूप से करें। ग्रहण के समय किसी को भी सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय मल मूत्र का त्याग करने से घर में दरिद्रता आती है यानी गरीबी आती है और ग्रहण के समय शौचाचार करने से जो है कृमि रोग उत्पन्न होता है। ग्रहण के समय पति पत्नी के संभोग करने से अगले जन्म में सुअर की योनि मिलती है। ग्रहण के समय किसी के साथ धोखा या ठगी करने से सांप की यानी नाक की योनि मिलती है और ग्रहण के दौरान जीव जंतुओं की हत्या करने से उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। ग्रहण के समय भोजन अथवा मालिश करने पर कुष्ठ रोगी बनना पड़ता है।
ग्रहण के समय पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। साथ ही ग्रहण के समय मंजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण के समय ताला नहीं खोलना चाहिए और ग्रहण के समय मौन रह करके देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय सारे देवी देवता सूर्य के साथ में कष्टमय स्थिति में रहते हैं। ऐसे में हम यदि उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। और ग्रहण के समय कोई भी सिद्धि साधना मंत्र जाप का सबसे अधिक फल माना गया है। ग्रहण के समय गाय को घास खिलाना चाहिए, पक्षियों को दाने डालना चाहिए, पक्षियों को जल पिलाना चाहिए, जरूरतमंदों को वस्त्र दान भी करना चाहिए और ग्रहण के समय गृहस्थ व्यक्ति को उपवास नहीं करना चाहिए, यानी ग्रहण वाले दिन व्यक्ति को उपवास नहीं करना चाहिए। ग्रहण के पश्चात स्नान करने के बाद उसको जो है भगवान का पूजन पाठ करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण के समय किसी भी स्थिति में भूमि को नहीं खोदना चाहिए। भूमि खोदने से कई प्रकार के पाप उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे तो सूतक काल के दौरान किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को जो है भोजन नहीं करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए, तथा जब ग्रहण लगे उस समय तो किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए और ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद सभी को स्नान करने के पश्चात ही भोजन आदि कार्य करना चाहिए। यानी साथ ही आपके घर में उस दिन यदि भोजन बना हुआ है तो उसमें आप तुलसी के पत्ते रख दे, दूध में तुलसी के पत्ते रख दे और साथ ही जल जो रखा रहता है उसमें भी तुलसी के पत्ते रख दे और बिस्तर, कपड़े, जो भी आपके सामान है उसमें तुलसी और कुशा के जो है तिनके आपको रख देना चाहिए, जिससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आपको और आपके परिवार को। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।